दोस्तों इन दिनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के द्वारा फिरौती मांगने का सिलसिला जारी है। इसी बीच पिछले कई महीनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा अनेकों कारोबारियों से रंगदारी मांगी जा चुकी है और साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कई कॉल रिकॉर्डिंग्स भी सामने आई थी। इसी बीच हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली के कारोबारी से लॉरेंस ने खुद वीडियो कॉल करके धमकी दी है। तो बताते हैं आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों पिछले कुछ महीनों से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग के टारगेट पर बड़े कारोबारी और व्यापारी हैं, जिनसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग करोड़ों की रंगदारी वसूल रहा है। और पिछले कई महीनों में ऐसे अनेकों मामले सामने आ चुके हैं जिनमें लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग के द्वारा करोड़ों रुपए की रंगदारियां मांगी जा चुकी है। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई की भी एक ऑडियो सामने आई थी जिसमें लॉरेंस का भाई 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ लॉरेंस के भाई ने रंगदारी न देने पर कारोबारी को धमकी दी है, जिसके बाद कारोबारी ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। कुछ ऐसे ही जब लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली में बंद था तो लॉरेंस बिश्नोई पर कई मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें बताया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने साबरमती जेल से दिल्ली के कारोबारियों को धमकियां दी थी, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी काफी वायरल हुई थी। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से दिल्ली लाया गया था और दिल्ली में कई दिनों तक रखा गया था, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से उसे दोबारा बठिंडा जेल भेज दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब एक खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जब लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद था तो उसने वहां से दिल्ली के एक कारोबारी को फोन किया था। फोन करने पर लॉरेंस ने करोड़ों रुपए की उससे रंगदारी मांगी थी। साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई ने उससे कंफर्म करने के लिए वीडियो कॉल भी करी थी और उसने बताया कि मैं लॉरेंस बिश्नोई ही बोल रहा हूं, चाहे वीडियो कॉल पर देख ले। इस प्रकार लॉरेंस बिश्नोई ने खुद साबरमती जेल में बैठकर दिल्ली के कारोबारी को धमकी दी है। इसके बाद उस कारोबारी द्वारा लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर मामला दर्ज करवाया गया है, तो उस मामले में अब लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर एक और मामला दर्ज कर लिया है। तो इस कारण अब दिल्ली पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को बठिंडा से दोबारा दिल्ली ला सकती है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई से इस बारे में पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई का दिल्ली में वॉइस सैंपल लिया जाएगा, जिससे पहचान हो सके कि उस वीडियो कॉल में जो आवाज है वो लॉरेंस बिश्नोई की है या फिर किसी और की है। इस प्रकार दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग के द्वारा कारोबारियों से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है। और हाल ही में पिछले दिनों जब लॉरेंस बिश्नोई से NIA ने पूछताछ की थी तो लॉरेंस ने बताया था कि वह हर महीने लगभग 2.5 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलता है। तो दोस्तों इस प्रकार लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग पर बड़े बड़े कारोबारी और व्यापारी निशाने पर हैं, और इन्हीं में से एक व्यापारी ये था जिसने मुकदमा दर्ज करवाया था। तो इसीलिए अब स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई को दोबारा दिल्ली लेकर आएगी। तो आप क्या सोचते हो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा दी गई इस धमकी को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।